अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशी मकबूल चैनल में आज मैं आपको बहुत ही स्टाइलिश 3 ईयर्स बेबी के लिए एक फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताने का तरीका बताऊंगी, जिसके लिए मुझे एक पुराना दुपट्टा चाहिए और इसकी इनर के लिए लाइनिंग के लिए यानी कि फैब्रिक चाहिए और ऑर्गेंजा चाहिए। अब मैं इसकी कटिंग शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं नेट के दुपट्टे की अम्ब्रेला कटिंग करूंगी, टेल शर्ट की तरह, जैसे टेल फ्रॉक अम्ब्रेला होता है। फिर उसके बाद मैं ऑर्गेन्जा और इनर जो है उसकी कटिंग करूंगी, क्योंकि बॉर्डर वाला है तो हम इसको पहले बॉर्डर अलग नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी टेल जब हम कटिंग करेंगे तो वो बॉर्डर में ही कटिंग हो जाएगी। पहले मैं इसको इस तरह से कॉर्नर बनाऊंगी कि बॉर्डर, ये वाला जो बॉर्डर है ये ऐसे यहाँ तक, जहाँ तक बॉर्डर है ऐसे इसे डबल फोल्ड करूंगी। ये देखिए, क्योंकि 3 साल की बच्ची का अमूमन इतना ही अम्ब्रेले की कटिंग हो जाती है, कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग पहनाते हैं, कोई शॉर्ट। आज आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि ये देखें इस तरह से कटिंग करने का तरीका। मैं अमूमन 4 फोल्ड करती हूँ और फिर आपको अम्ब्रेले की कटिंग बताती हूँ, लेकिन आज मैं ऐसे ही निशान लगाकर आपको दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। ये याद कर रखें, ये जो बॉर्डर है इसका एक जैसा होना, बैलेंस में होना ज़रूरी है ताकि फ्रॉक में कटिंग करते हुए मुश्किल ना हो। अब देखें, यहाँ से साइज लूँगी मैं कॉर्नर से, यहाँ से जो साइज है इस कोने तक, दूसरे कोने से इस कोने तक लूंगी ताकि हमारा सही साइज मिल जाए हमें। ये देखिए, ये है 19 इंच ही मैं दरमियान से निशान लगाऊंगी। ये मैं सिर्फ फ्रंट ले रही हूँ, अभी बैक का आपको तरीका बाद में बताऊंगी। ये नेट है, इस पर निशान बहुत कम नज़र आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये चौक अंदर चला जाता है, नज़र कम ही आता है। ये इस तरह से, ये मैंने सिर्फ फ्रंट को, अभी जो फ्रंट है वो कटिंग करूंगी, ना कि मैं बैक। देखिए, इस तरह से मैंने इसको एक जैसा कटिंग कर लिया है। अब ये बॉर्डर जो है सिर्फ इस तरह से, ये देखें जो मैंने बॉर्डर आपको बताया था, ये इसको अब कटिंग कर लें ताकि हमारे पास सही साइज हो जाए। ये जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, एक साइड में इसको ऐसे कर रख लें, और जो दरमियान से हमने टेल बनानी है, याद रखें जो दरमियान का हिस्सा है यहाँ से इसका दरमियान है, हमेशा टेल दरमियान से ही साइज लिया जाता है। ये देखें, ये 19 इंच यानी 19 इंच है, तो हम इसको ऊपर से 25 इंच, यहाँ से ये देखें इस तरह से 25 इंच मैं लूँगी यहाँ, और इसको जो ये कटिंग है इसको इसी तरह से 19 इंच तक वापस ले आऊंगी। एक साइड की मैं कटिंग करूंगी और दूसरी साइड से डबल रखकर उसी शेप में दोबारा कटिंग करूंगी ताकि हमारे पास सही साइज आ जाए। ये देखें, इस तरह से मैंने हाफ कटिंग की है, अब इसको इसी तरह से वापस ऐसे ही रखूंगी। देखें, दरमियान से जो साइज है ऐसे ही कटिंग होता हुआ जाएगा। अब जो कहीं कहीं कैंची सही नहीं चली, अब हम इसको सही तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखें, क्योंकि नेट में कैंची कटिंग करते हुए बार बार अटती है, तो इसका बैलेंस हम बाद में भी कर लेते हैं।
क्योंकि ये अक्सर नेट पे लोग पीको नहीं भी करवाते, रेडीमेड में पीको नहीं हुई होती, आपने देखा होगा नेट वाले फ्रॉकों में। अब बिल्कुल हमने बैलेंस कर लिया, अब इन दोनों को आपस में ऐसे अटैच करके ऊपर का जो हिस्सा है, याद रखें नेट का जो स्ट्रेच है वो इस रुख होता है और दूसरे रुख नहीं, क्योंकि हम कटिंग करते हुए अक्सर ऐसे जब हम प्रेस करेंगे तो ये ना बड़ा हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा हाफ इंच साइड से थोड़ा सा शॉर्ट किया कटिंग करते हुए, लेकिन हम जब आयरन करेंगे तो ये बैलेंस में आ जाएगा। ऊपर से मैं सिर्फ 5 इंच शॉर्ट करूँगी ताकि हमें बॉडी की फिटिंग सही मिल जाए। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो आप 6 इंच भी कर सकती हैं, या आपकी अपनी फिटिंग बच्ची की फ्रॉक की फिटिंग के हिसाब से। ये देखें, अब ये दरमियान से हमारी 5 इंच हमने कटिंग किया तो ये 10 इंच हो गया है। अमूमन फ्रॉक 12 इंच 11 इंच की फिटिंग में होते हैं, लेकिन ये नेट है, थोड़ी सिलाई लगाते हो थोड़ी सी स्ट्रेच में आएगी, तो इसलिए मैंने 10 इंच लिया है। अब इसके बाद यही सेम शेप का मैंने ऑर्गेंजा लेना है, फिर इनर लेना है। आप चाहें तो इसी तरह से ऑर्गेंजा रख कर इसको इसी तरह से कटिंग कर लें। लेकिन याद रखें अलग अलग ही कटिंग होंगे दोनों पीसेस, ताकि फ्रॉक में थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा ना हो जाए। क्योंकि दरमियान से ही सिर्फ हमने लॉन्ग लेना है, साइडों से नहीं। आप चाहें तो पहले आप टेल वाला हिस्सा भी कटिंग कर सकते हैं, चाहे इकट्ठा ही कर लें। ये मैं पहले बैक जो टेल है वो कटिंग कर रही हूँ, फिर हम फ्रंट की भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इन कपड़ा जब ज्यादा सारा हो ऑर्गेंजा कटिंग करते हो थोड़ी मुश्किल होती है। ये चौक का निशान आ गया है इसका नजर, तो हम इसके हिसाब से ये फ्रंट की भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो गई इसी शेप का, सेम इसी शेप का हमने इनर कटिंग करना है जैसा आर्गेंजा का और नेट का कटिंग किया है, ताकि शेड हमारा चेंज ना हो। ये देखें टेल फ्रॉक इस तरह से बहुत ही प्यारा लगेगा, चाहे आप पीको करवा लें चाहे लैस लगा लें। आप चाहे इसको, ये चीज याद रखें, आप ये मैं इस वक्त बैलेंस में ही कटिंग कर रही हूँ, ऊपर की साइड से 1/2 इंच या 1 इंच में शॉर्ट कर लूंगी। ये हमारा इसी तरह से बैलेंस में आ गया। अब ये दोनों साइड टेल वाली मैंने कटिंग कर ली है, शॉर्ट वाली रह गई है।
अम्ब्रेला कटिंग टेल फ्रॉक की मुकम्मल कर ली है। अब मैं आपको बॉडी की कटिंग का डिज़ाइन बताती हूँ। सबसे पहले मैं जो इनर है अटल यानी कपड़ा, इसकी बॉडी की कटिंग करूँगी। उसके बाद नेट की और आर्गेंजा की जो डिज़ाइनिंग हमने करनी है वो करेंगे। इसकी मैंने ये पट्टी ली है, बैक हमने ओपन रखना है। ये 13 इंच की ली है, ये बैक का मार्जिन रखा है मैंने, और लेंथ में रखूँगी 11 इंच या 10 इंच, क्योंकि सिलाई होने के बाद ये हमारी 10 इंच ही रह जाएगी। इस तरह से आप चाहें जैसे मैंने पहले आपको बताया था, फ्रंट पहले कटिंग कर लें फिर बैक सिलाई पट्टियों का, वैसे ऊपर नीचे रखने का मार्जिन खुद ही आ जाता है। इसमें हमने जो शोल्डर लेना है वो हम 5 इंच से भी कम लेंगे। इसी तरह से आर्म होल भी हमने इसी तरह से लेना है, और 6 इंच हमने चेस्ट के पास से और 6 इंच ही नीचे से विड्थ रखनी है फिटिंग की, और 1 इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखना है ऐसे। जो अम्ब्रेला फ्रॉक होता है हमेशा याद रखें उसकी बॉडी की फिटिंग नीचे से थोड़ी सी, जैसे एयरलाइन शर्ट की कटिंग करते हैं यहाँ से थोड़ी सी ज़रूर कर लें। उससे जब स्टेप हमने बच्चों के बैक पे बांधते हैं तो उससे ये ऊंचा नीचा नहीं होता, फ्रॉक इक्वल रहता है। अब ये देखें इस तरह से मैं ऐसे रख कर इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे तो ये सिलाई का पट्टियों का जो ऊपर नीचे रखने का है खुद ब खुद आ गया है ऐसे। जो नेट है और आर्गेंजा है मैं उसकी कटिंग करके बताती हूँ, लेकिन उससे पहले नेक लाइन की आप कटिंग कर लें तो बेहतर है। फ्रंट और बैक की 2 इंच की डीप रखते हैं, 2 इंच की ही विड्थ में रखती हूँ। फ्रंट थोड़ा सा डीप ज़्यादा कर लेती हूँ, ये कोई साइज़ में फिक्स नहीं है, इसमें आप जितना बड़ा रखना चाहते हैं उतना रख लें। कुछ लोग हाई नेक की वजह से ज़्यादा डीप रखते हैं। पहले मैं नेट की कटिंग करूंगी, और ऑर्गेन्जा है ये जो हमने इसको ऑर्गेन्जा को डिज़ाइनिंग के तौर पर बेल्ट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसके फूल बनाकर उस फ्रॉक को बहुत खूबसूरत अंदाज से बना सकते हैं। क्योंकि जो बाकी कपड़ा बच जाएगा हम उसमें छोटा सा फ्रॉक न्यू बॉर्न का भी बना सकते हैं, क्योंकि एक दुपट्टे में से हम इस तरह से 2 फ्रॉक भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। चाहे आप ऐसे रख लें चाहे ऐसे, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप चाहें तो इसे घूम सिलाई में भी कर सकती हैं, नेट है अगर पाइपिंग लगाएंगी तो और भी खूबसूरत लगेगी। चाहे आप पाइपिंग कंट्रास्ट शॉकिंग भी लगा सकती हैं, अगर आपके पास कोई प्यारी से लैस है तो वो भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि आजकल सब चीज़ें ही डिज़ाइनिंग में आ जाती हैं।
भी हमने बॉडी की भी कटिंग कर ली। मैं अब आपको फ्रंट की डिजाइनिंग ऑर्गेन्जा की बता देती हूँ। अब जो ऑर्गेन्जा है इसकी मैं इस तरह से पट्टियाँ कटिंग कर लूँगी और फिर आयरन की मदद से प्रेस कर लेंगे। फिर मैं आपको इसकी डिज़ाइनिंग का तरीका भी बता देती हूँ कि कैसे करना है। आप ये तकरीबन 2-2 इंच की ऐसे थ्री पट्टियों को कटिंग कर लें। आप चाहें तो 4 भी रख सकती हैं, 5 भी रख सकती हैं, लेकिन बॉडी छोटी है तो ये सारी डिज़ाइनिंग में हो जाएगी ख़त्म। तो इसके लिए मैंने सिर्फ 3 को ही लिया है। इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से होगी। इसको ऐसे हम प्रेस करेंगे। मैं आपको प्रेस करके दिखा देती हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। अब इसी तरह से मैंने ये प्रेस कर लिए। आप इनको इस तरह से रखें, ये देखिए। अगर आपके पास सिल्क का कपड़ा है तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं, वो और भी खूबसूरत लगेगा। क्योंकि सिल्क का कपड़ा फूल में पट्टियों में बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये बारीक है ऑर्गेन्जा, अंदर से नेट नज़र आ रही है। अगर आप चाहें तो इतनी सी पट्टी पहले ऑर्गेन्जा की प्लेन रख लें ताकि ये पट्टियाँ नुमायाँ भी हों। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं आपको ये तरीका भी दिखा देती हूँ। अगर आप पहले पट्टी इतनी सी अटैच कर लें, अगर सिल्क की हो तो ज़्यादा बेहतर है, प्रिंट आपका कम नज़र आएगा, क्योंकि ये चीज़ नुमायाँ हुई हुई ज़्यादा प्यारी लगती है। अगर प्रिंट नज़र आ रहा है तो हमारा ये पट्टियाँ नुमायाँ नहीं हो रही। ये देखें इस तरह से। फिर उसके ऊपर हमने बड़ा सा कोई फूल बनाकर, जैसे मैंने आपको बताया, ये पट्टियाँ कटिंग कर कर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपको फूल बताती हूँ। चाहे आप ये वाला फूल इसको डबल कर कर, ये देखें ऐसे, इसको ऐसे बल देकर फोल्ड करते रहें तो ये फूल का स्टाइल भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। पहले भी मैंने आपको बहुत तरह के फूल दिखाए हैं, खुशी मकबूल चैनल पर भी फूल ऐसे आपको फ्लावर बहुत मिलेंगे। ये देखें इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएँ। अगर आपके पास ऑर्गेन्जा टिश्यू है, इसे काविये की मदद से कटिंग कर लें तो और भी प्यारा लगेगा। लेकिन याद रखें कि इसको इस तरह से बल देने बैक साइड पे, ऐसे ऐसे बैक साइड पे बल देते रहें। ये फूल आप जितना बड़ा बनाना चाहेंगी आपका उसी तरह का बन जाएगा। बड़े जितनी बड़ी पट्टी कटेगी इसमें उतना ही बड़ा फूल बनेगा। अब इस तरह के 3-4 आप जितने फूल बनाना चाहें ऐसे फूल बनाकर फ्रॉक पे सुई की मदद से आप यहाँ 2-3-4 लगाएं और नीचे टाई की तरह 2 पीसेस लटका दें। ये फ्रॉक का स्टाइल बहुत ही खूबसूरत बनेगा। अब मैं आपको पूरा मुकम्मल कटिंग करके दिखा दिया है, सिर्फ बेल्ट रह गया है। बेल्ट आप चाहें तो नेट के बना लें, चाहे ऑर्गेन्जा कपड़ा बचा हुआ है उसके बना लें, क्योंकि ये चीज़ में हमने सिर्फ बैक पे रखने हैं, नुमाया नहीं करने, क्योंकि फूल नुमाया होंगे। जो बॉर्डर है आपका शॉकिंग नेट का बचा है, अगर वही बेल्ट लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप ऑर्गेन्जा के भी बना सकती हैं, क्योंकि नेट वाला ये पीस है ये भी बेल्ट में अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपका फ्रॉक भी मुकम्मल हो जाएगा और आपका कहीं से भी थोड़ा सा भी कपड़ा ज़ाया नहीं होगा। अब मैं बेल्ट की कटिंग आपको पहले भी बहुत बार बताई है, बहुत सिंपल सी होती है। सीधी पट्टी को ही कटिंग करना होता है, बहुत ज़्यादा कोई इसकी महारत नहीं है। देखिए सिंपल सी, हम किनारी को इसको पहले ख़त्म कर देंगे और फिर उसके बाद इसको ऐसे कोने की शक्ल में कटिंग करूँगी ताकि नीचे से स्टेप की चौड़ाई बहुत प्यारी सी ऐसे मिल जाए। ये देखें, क्योंकि जब बैक पे हम बांधते हैं बेल्ट तो वो बंधी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये दोनों साइड के बेल्ट भी बन गए, कटिंग हो गए। अब ये सिलाई रह गई, मैं अब आपको सीने के बाद मुकम्मल फ्रॉक दिखाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, ये स्टिचिंग के बाद इसकी ये लुक है। ये कितना खूबसूरत फ्रॉक लग रहा है। इसकी नेक लाइन आर्म होल में, जैसा कि हमने आपको बताया था, आप कंट्रास्ट कलर की पाइपिंग यूज़ कर सकते हैं
और इसमें फ्लावर की ये देखिए डिजाइनिंग की गई है, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ इसकी फ्लावर की डिजाइनिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। और इसमें टाई बनाकर लगा दी गई है, और जिस तरीके से हमने आपको इसमें स्ट्रिप लगाने का तरीका बताया था, आप तीनों स्ट्रिप को सिलाई की मदद से साथ इसके बॉडी के अटैच कर दें दोनों साइडों में, फिटिंग से पहले फिर फिटिंग करें और बाद में इसके बैक साइड पर स्टेप लगाएं। और व्यूअर्स ये देखें, नेट हमने सबसे ऊपर रखी है इसमें, और इसके नीचे के हिस्से में अभी हमने पीको नहीं करवाई, एंड पर अब हम मार्केट का काम बाद में करवाएंगे। तो ये देखें ऊपर हमने नेट को इस्तेमाल किया है, व्यूअर्स आपको नजर आ रहा होगा, और नीचे आर्गेंजा है। उसके बाद हमने इनर का इस्तेमाल किया है, जो लाइनिंग यूज करते हैं हम इनर में। तो व्यूअर्स अगर आप इसमें कैन का इस्तेमाल कर लेंगे तो और भी ज्यादा ये फ्रॉक बार्बी लुक देगा। अम्ब्रेला लुक की शक्ल है लेकिन ये बालून फ्रॉक बन जाएगा अगर आप इसमें कैनकन का इस्तेमाल कर लें। तो व्यूअर्स ये हमारी फ्रॉक स्टिच होने के बाद बहुत ही प्यारी लग रही है, रियल में ही बहुत प्यारी लग रही है। तो आप प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको हमारी कटिंग स्टिचिंग बताने का तरीका और फ्रॉक की डिजाइनिंग कैसी लगी। हमें दुआओं में भी याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबकी दुआएं कबूल और मंजूर फरमाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।